बहुत दुख हो रहा है लेकिन केनी को जाने देना पड़ेगा, एक ही दिन में मैं मम्मी बन गई। केनी अपने असली मम्मी पापा के पास जाएगी, पता नहीं क्या चाहता है, जान थोड़ी दे देंगे, जान है तो क्या हुआ, खाना थोड़ी छोड़ देंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, द रियल उन्नति में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जस्ट उठी हूँ क्योंकि कैनू बहुत ही बार्क कर रहा था, तो मैं अभी अभी उठी हूँ और सबसे पहले उसको मैंने खाना दे दिया। कैन यू से हाय? अभी वो खाने में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। हाँ, तो मैं कल रात नहीं, सुबह सुबह 4 बजे सोई थी, तो अभी नींद नहीं ही ख़त्म हुई लेकिन केनू की वजह से उठ गई। और फिर किशन भी सुबह 7 बजे गया है बाहर, उसका कुछ काम था तो उसके वजह से वो बाहर गया है, और आज का दिन घर पे ही हूँ। देखते हैं, कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी सब कुछ, लेकिन अभी तो सोने वाली हूँ। बस इसका खाना ख़त्म हो जाए, उसको थोड़ी देर घुमा दूँ, उसके बाद मैं वापस सो जाऊँगी। और फिर उठ के नहा धो के फिर चाय नाश्ता कुछ करके फिर कहीं पे जाएंगे हम बाहर। देखते हैं अभी इसको लेके तो कहीं जा सकते हैं या नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं मम्मी के घर तक जा पाऊँगी, तो शायद इसको लेके मम्मी के घर चली जाऊँगी। मैं हूँ, चार्मी भी अभी घर में ही है, तो फिर हम तीनों चले जाएंगे, इसको पकड़ के बैठ जाएंगे चार्मी मेरी धन्नों पे, क्योंकि किशन तो गाड़ी लेके चला गया है। तो अभी बस इतनी इसको भूख लगी थी ना कि मैं, वो 2 प्लेट ऑलरेडी खा चुकी है, ये तीसरी प्लेट खा रही है, और वो भी आई थिंक चट कर गई। ये देखिए केनू का खाना बना रही है और वो इतनी प्यासी निगाहों से मेरे सामने देख रही है। केनू क्या चाहिए, क्या चाहिए? वो बोल रही है जल्दी से खाना दे दो। बस फिर से ये जा रहा है खाना और वो उतनी ही स्पीड से खाएंगी। इतनी भूख लगी होगी, इतना ज्यादा आवाज कर रही थी घर में कि मैं उठ गई। ये सुबह से मेरे पीछे पीछे घूम रही है, देखो अभी उसको मजा आएगा। चल के नू, चलो इधर इधर के नू। शेट, केनू ने यहीं पे पॉटी कर दी गाइस। अब ये सब कुछ मेरे को साफ करना पड़ेगा, माय गॉड। अभी तो मैं सोने वाली थी गाइस। क्या डॉगी रखना इतना मुश्किल होता है। अभी मैं आ रही हूँ इधर, तो वो देख रही है मुझे। चलो केनू, आना है तेरे को, इधर आ जा। केनू, कैनी, अभी मैं यहाँ पर जा रही हूँ, देखते हैं वो मेरे पीछे आ रही है ना या नहीं। नहीं आ रही, देखो दूर से देख रही है मेरे को। बस आलसी है बहुत, उसको काम करना ज़्यादा पसंद ही नहीं, वॉक भी नहीं करती, कुछ भी नहीं, खेलती बहुत ज़्यादा है लेकिन वॉक नहीं करती। इसकी वजह से मैं सवेरे सवेरे उठ गई हूँ और इसकी वजह से ही मैं इधर गार्डन में हूँ। अभी तो मैं सो रही थी अपने ब्लैंकेट में, लेकिन इसको वॉक कराने के चक्कर में मैं जल्दी उठ गई हूँ, लेकिन रो ही नहीं आ रही तो क्या करूँ। अभी छिप गई है, देखो कब से मेरे बाजू में लपक के सोई है ना, मेरे को भी नहीं सोने दे रही है लड़की। कैन्या, कैनोडी, ओए ए कैनोडी, कैनोडी,
अंदर जाके सो जाना, मेरे को भी सोना है। कैनो भाई, इसका काम निकल जाए ना तो इग्नोर करना तो कोई इससे ही सीखे। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। सो जाने, बहुत परेशान कर रही है। वैसे तो बहुत ही शांत है, बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन सो नहीं रही तो मुझे भी नहीं सोने दे रही। देखो अभी ये कैमरा देख के जग गई है, अभी लपक जाएगी, अभी लपकने की तैयारी है। अभी ऐसे कौन सोता है, देखो तो ऐसे कौन सोता है। कैनो, कैनो, व्हाट आर डूइंग कैनो? इसको इतना लपकना पसंद है। तेरे पीछे थोड़ी ना मैं पूरा दिन बैठी रहूंगी, मुझे नहाने जाना है। केन्या, केन्या, नहाने जाना है मुझे। उतर जा, नीचे उतर जा। ठीक है चलो, सो जा, सो जा। ये केनी है, हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और केनी मुझे देख के ऐसा बोल रही है, मुझे दो ना, मांगू छू दो ना, दो ना। कैनी, मांगू छू, मांगू छू, मांगू छू। इसने अभी इसके साथ बहुत खेला। धानी जी तो डर कैनी, रहे हैं फिर उठा से। दे। अभी वो नहीं उठेगी क्योंकि उसे खाना खाने की स्मेल आ रही है, या खाने की स्मेल आ रही है। कैनी गो। बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कैनी को जाने देना पड़ेगा, क्योंकि बाय मुझे बाय कैनी, बाय कैनी की बाय। वजह से, कैनी की वजह से नहीं, लेकिन रैशेज हो रहे हैं। कल रात, आज सुबह ही हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैनी शायद मम्मी को बाय बाय इसको बोलो। इसको मैं वाह कैनी कैनी मम्मी मम्मी को बाय बाय बोलो। बाय कैनी मम्मी को बेटू। बाय बाय बोलो। रोना एक मत, एक ही दिन में मैं मम्मी बन गई। रोना मत, हाँ रोना मत। अभी हॉस्टल में जा रही है कैनी। कैनी हॉस्टल में, कैनी अपने असली मम्मी पापा के पास जाएगी, और ये मेरा अधूरा वैनम जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब खाते खाते हम देख रहे हैं। अभी बज चुके हैं 9:15, और कैनी चली गई है, तो दिन ही नहीं खत्म होता। नहीं बहुत ही, तो यहाँ सोने में ही से चला गया पूरा दिन, हाँ पूरा दिन सोने में ही चला गया। मैं तो कब की सोई थी, 3, 2 या 3, 5 बजे से 8 बजे, 5 बजे सोई थी, आठ सात, नहीं 7 बजे तो उठ गई थी। हाँ सात किशन साढ़े आया तब, सात हाँ किशन 7 बजे आया, तब तक तो मैं उठ गई थी। मैं मूवी देखते देखते ही टपक गई थी, और कैनी होती तो मज़ा आता थोड़ा, लेकिन वो यहाँ वहाँ सब कुछ वैसे भी बिगाड़ रही थी, और मैं बिगाड़ रही थी, उसका तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरी वजह से अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मेरे को उसकी वजह से स्क्रीन स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है। किशन की तो ऐसी इच्छा थी कि उसको नहीं भेजना, मुझ पे गुस्सा भी हो गया थोड़ी देर के लिए कि क्यों भेज दिया मुझे पूछे बगैर। मैंने उसको पूछा नहीं था, अगर पूछती तो वो भेजने नहीं देता, इसलिए फिर कोई ना, भेज दिया उसको अपने मम्मी पापा के पास। अब कभी कभार जाएंगे उससे मिलने, यहीं पे पास में ही है, तो जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, और शाम को तो शायद TFS जाएंगे, क्योंकि एज यू ऑल नो कि व्लॉग इतना लंबा नहीं बना है, तो फिर आप लोगों की फिर से कमेंट्स आएगी कि लंबा व्लॉग बनाओ, लंबा व्लॉग। लेकिन आज का दिन ऐसा गुजरा है ना कि पूरा बोरिंग ही था, तो फिर दिखाने के लिए कुछ था नहीं, तो अभी शाम को जाएंगे TFS दिखाएंगे आपको, क्रिकेट विकेट खेलेंगे, पूल टेबल खेलते हैं कुछ। बजे हैं 11:30, और अभी ये देख रहा है क्रिकेट। खाने का तो कोई नाम भी नहीं ले रहा, बस क्रिकेट ही है सब। दूसरी सुपर ओवर है, इसमें भी क्या होगा किसी को पता नहीं है अभी तक। मैच तो पहले देखनी पड़ेगी, खाना होगा बाद में। इसके गांव से दूध आया है, तो मैंने अच्छे से सब खाना बनाया, और अभी बोल रहा है कि खाना होगा बाद में। तू देखने, दूसरे को बोले बिना स्पिनर को दे दी गेंद।
वो भी सुपर ओवर में, करना क्या चाहते हो रोहित भाई? क्या करना चाहता है? नहीं हो सकता यॉर्कर भी करे। क्या हुआ? जीत गया मैच, उनको 12 रन करने थे, हमने 12 करवा दिए। देखो एक रन किया और दो विकेट आ गई, मतलब 12 हो गए उनके, लेकिन जीते हम। दूसरी तरीके से हमने 12 रन करवाए उनके। उनको बोल दो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। शायद ये लोग आके इसको खाना दे के जाएंगे, इसलिए ये इन लोगों के लिए इतना चीयर कर रहा है। पता नहीं क्या चाहता है, जान थोड़ी दे देंगे, जान है तो क्या हुआ, खाना थोड़ी छोड़ देंगे। अभी हमारे ये मोंगेरे मेहमान जा रहे हैं। बाय 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 बाय, अगले बरस तू जल्दी आना। तूने केनी को भेज दिया, लेकिन आई मिस यू केनी। हाँ मिस यू केनी, मिस मी और मिस केनी। लेकिन केनी को भेजने की वजह थी, मैंने गाइस को बता दी है। बाय बाय, बोल क्या बोल रहा है? पांजी को भेज दिया तुमने। किसकी पांजी? अपनी पांजी थी, पांजी को भेज दिया तुमने। भांजी थी। ये जनाब तो लग गए एडिटिंग में, सारा सब कुछ काम निपटा लिया है। वहां पे जाके वो डोर क्लोज कर देना लवली। तो फिर सारा सब कुछ काम निपटा लिया है और अभी टाइम है एडिटिंग का, फिर सो जाएंगे। आज का व्लॉग बहुत छोटा बना, आई नो, उसके लिए आई एम सो सॉरी। पर व्लॉग छोटा इसलिए बना है क्योंकि आज पूरा दिन मैं घर पे थी, सोने में गुजारा, आधा दिन तो केनी के साथ निकल गया, तो इसलिए मेरा व्लॉग शॉर्ट बना है। लेकिन कल का व्लॉग बड़ा आएगा, और कल मैं कहाँ जाऊंगी मैं एडवांस में नहीं बताऊंगी, क्योंकि बता देती हूँ तो फिर मैं जा नहीं पाती। तो कल कुछ करेंगे तूफानी, तब तक के लिए लव यू गाइज, बाय बाय।